नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अयोध्या शातिर चोरों को चोरी के 5 लाख के जेवरात के साथ किया गिरफ्तार। लखनऊ राजधानी क्षेत्र में महिला के साथ हुई चोरी की घटना का अयोध्या एसओजी सर्विलांस टीम बरुदौली पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण किया। 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। चोरों के पास से चोरी की 5 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद हुआ। फिरोजपुर पवारान मोड़ के चाय के दुकान से कुछ दूर पर शातिर चोरों की गिरफ्तारी हुई। वही मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत कुमार चौधरी ने बताया कि 30 नवंबर को भेलसर गांव कोतवाली रुदौली की रहने वाली पीड़ित महिला अपने से कानपुर अपनी बहन की शादी में जा रही थी कि लखनऊ चारबाग बस से कानपुर जाने वाली बस में बैठकर थोड़ी ही दूर पहुंची थी। उसी बस में उसके पीछे बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि आपका बैग खुला हुआ है, तो महिला ने बताया कि मेरे बैग में ताला लगा हुआ है। फिर महिला ने पीछे मुड़कर बैग देखा तो बैग कटा हुआ था। बैग में रखे सोने व चांदी के जेवरात गायब थे। जेवरात की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, जिसके संबंध में पीड़ित महिला द्वारा जनपद लखनऊ के थाना कोतवाली नाका में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए शातिर चोर बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अयोध्या पुलिस की तत्परता से शातिर चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। पीड़िता महिला द्वारा अपने चोरी गए सामान की पहचान कर ली गई है। आइए जानते हैं बलवंत कुमार चौधरी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कहा। अयोध्या से जिला ब्यूरो पीसी मिल्हा खान की रिपोर्ट। अयोध्या के कोतवाली रुदौली और एसओजी टीम द्वारा चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। पूरा घटनाक्रम यह है कि यहाँ रुदौली थाना क्षेत्र के भेलसर चौकी में रहने वाली महिला सिदरा, वाइफ ऑफ मोहम्मद फरहान, ये अपनी बहन के शादी में जा रही थी कानपुर। जब ये चारबाग बस अड्डे पहुंची थी, बस में बैठी थी, तभी चोरों के गिरोह द्वारा जो है इसके बैग से जो इसके शादी में ले जाने वाले गहने थे वो सब काट के चोरी कर लिए गए थे। हमको सूचना मिली थी कि वही गिरोह ये अयोध्या की तरफ जा रहा था जो है, और रास्ते में कहीं रुक करके अपने थाना क्षेत्र में ही कहीं रुका हुआ था चाय पानी पीने के लिए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस और एसओजी की टीम के माध्यम से इस गिरोह को पकड़ लिया गया। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं, इनमें एक है वकील सनाफ शकील, ये बुलंदशहर का रहने वाला है, कोतवाली देहात का। दूसरा व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो सलाउद्दीन पुत्र स्वर्गीय जलाल है, ये भी बुलंदशहर का जहांगीराबाद का रहने वाला है। इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह था कि रेलवे स्टेशन या बस अड्डों के पास ही आसपास रहते थे, और ऐसे व्यक्ति जो बैग लेकर के जाते दिखाई देते थे किसी शादी या वैवाहिक समारोह में, तो उनके आसपास लगकर उनके बैगों से उनके गहने या कीमती वस्तुएं चुरा लिया करते थे। इस घटना में जो महिला उसने अपना अभियोग पंजीकृत कराया था नाका कोतवाली लखनऊ में जो है।